हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शर्मा जी इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड बिहार पॉलिटेक्निक के किसी भी सेमेस्टर के फाइनल एग्जामिनेशंस की तैयारी, जो हम लोग क्वेश्चंस को कैसे याद करेंगे इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा वाले किसी भी सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर का हम लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चंस को रटते हैं तो एक आपकी बहुत ही बड़ी भूल और गलती है कि अगर क्वेश्चंस को ना रटिए। इससे आप उस क्वेश्चंस को तो याद तो जल्दी कर ही जाएंगे, लेकिन वह याद आपको कुछ दिनों के लिए रहेगा, यानी कि 1 से 2 दिनों के लिए। उसके बाद आप उसमें से बीच बीच में से अगर वर्ड आपका मिस हो जाता है तो आप उस पूरी लाइन को ही आप भूल जाएंगे। तो किस प्रकार से क्वेश्चंस को याद करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चंस को याद करने के लिए सबसे पहले आपको उस टॉपिक यानी उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक हमें ढूंढना है और उस टॉपिक को हमें पढ़ना है। जितना हम उसे पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें नॉलेज होगा और उसे हम लिखने का प्रयास करेंगे अपने लैंग्वेज। तो ये है सबसे मेन तरीका जिससे हम लोग क्वेश्चंस को लिख करके याद करना है, ना फिर रट करके याद करना। रट करके याद करने से आप क्वेश्चंस को मात्र 1 से 2 दिन में भूल जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चंस याद भी रहता है तो बीच में से 1-2 वर्ड मिस हो जाने की वजह से आप पूरी लाइन भूल जाएंगे। क्वेश्चंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके एग्जामिनेशन में ग्रुप बी में ग्रुप सी में पूछे जाते हैं, चाहे वो 6 नंबर के हों या 4 नंबर के। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस क्वेश्चंस के आंसर के साथ फिगर जरूर बनाएं। उससे रिलेटेड जितने फिगर्स आपको बनाने हैं आप उस टॉपिक को पढ़ें, आप उसमें से फिगर के साथ उसको डील करेंगे, उसके आंसर्स को लिखेंगे तो काफ़ी बेटर होगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। अगर आप पढ़ने में उतना अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं एग्जामिनेशन की, आप चाहते हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे आए, तो इसके लिए आपको सिंपली सा जो भी आपको क्वेश्चंस बैंक है उसके टॉपिक्स को चूज करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको या इस साल में जो है पूछे जा सकते हैं। तो आपको करना यही कि क्वेश्चंस को पिक करना है, उसे अपने बुक्स में या इंटरनेट पर उसको आपको कलेक्ट करना है, ढूंढना है और उसे अपने नोटबुक में अपनी लैंग्वेज और ईजी लैंग्वेज में आपको लिखना है, चाहे आपको हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें। लिखने के बाद उससे रिलेटेड कोई एक आपको स्ट्रक्चरल चित्र बनाने से फिगर बोलते हैं, फिगर बना सकते हैं। फिगर बनाने से क्लियरिफाई हो जाता है कि आप कितने से पढ़े हैं और साथ में जो एग्जामिनेशन जो चेक करते हैं एग्जामिनर्स को, वो समझ जाते हैं कि इस बंदे ने उतनी तैयारी नहीं की है बट इन्होंने कोशिश अच्छी की है, जिसकी वजह से आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको बताया क्वेश्चन नहीं रटने का तरीका, आपको क्वेश्चन नहीं रटना है सिर्फ याद करना है, यानी याद करने का जो तरीका है ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।